नमस्कार, मैं डॉक्टर विनायक कुबल, एमडी मेडिसिन, बदलापुर के स्पंदन हॉस्पिटल से आपके सामने जुड़ रहा हूँ। आज का ये वीडियो बनाने का कारण है कि मुझे ऐसे लगता है कि टाइफॉइड के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हमारे समाज में हैं और थोड़ा अवेयरनेस होने की बहुत ज़रूरत है कि टाइफॉइड बीमारी जो बहुत आम लगती है, बहुत इजीली पेशेंट्स कहते हैं कि हमें पिछले 6 महीने में या साल भर में 4 बार टाइफॉइड हुआ, क्या ये सही है? क्या ऐसे होता है? ये समझने के लिए इस वीडियो का प्रयोजन हमने किया है। बहुत बार देखा जाता है कि टाइफॉइड है, यानी बुखार आ गया, हमने टेस्ट की और विडाल टेस्ट पॉजिटिव आती है, उसमें एच टाइटर होता है, ओ टाइटर होता है। ये टाइटर्स जब पॉजिटिव आते हैं और विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है, तब बहुत बार ऐसे बोला जाता है कि आपको टाइफॉइड हुआ है। कृपा करके ये बाबा आदम के जमाने की टेस्ट पे हमें टाइफॉइड डायग्नोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विडाल टेस्ट बहुत बार बहुत अलग-अलग बीमारी के वजह से भी पॉजिटिव आती है। मान के चलो कि आपको आर्थराइटिस है, आपको कोई ऑटो इम्यूनिटी है, फिर भी ये पॉजिटिव आएगी। आपको कोई वायरल इन्फेक्शंस है, जैसे कि कोविड में बहुत बार हमने देखा कि ये टेस्ट पॉजिटिव आती है। अभी के वायरल फीवर्स में बहुत बार ये टेस्ट पॉजिटिव आती है, और तकलीफ नहीं होने के बावजूद भी ये टेस्ट पॉजिटिव आती है। तो ये टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमें टाइफॉइड है नहीं। टाइफॉइड के लिए राइजिंग टाइटर देखना पड़ता है, यानी बढ़ता हुआ विडाल होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे हैं, लिम्फोसाइट्स कैसे हैं, यूसिनोफिल्स कैसे हैं, बुखार का पैटर्न कैसा है, क्योंकि टाइफॉइड ये अतड़े की बीमारी है। हम इसमें स्टेप लैडर पैटर्न देखते हैं, इसमें अतड़ी में सूजन आ जाती है, और ये बीमारी की जो ओवरऑल इंसिडेंस है वो घटते ही जा रहा है। उसे कंपेयर करें तो वायरल फीवर बहुत ज़्यादा है और हमारी इम्यून सिस्टम ही ज़्यादातर के उसको रोकने में कामयाब होती है। और जब हम मान के चलते हैं कि हमें वायरल इलनेस है और हम टाइफॉइड डायग्नोस करके एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तो हम खुद का और नुकसान करते हैं, क्योंकि अगर टाइफॉइड नहीं है, सिर्फ विडाल टेस्ट के ऊपर हमने एंटीबायोटिक्स खा ली, तो हमारी इम्यून सिस्टम और ख़राब होती। सो कृपा करके सिर्फ विडाल टेस्ट पॉजिटिव है समझ के खुद को टाइफॉइड हुआ है ये मत मान लो। सवाल करो, अपने डॉक्टर की सलाह लो, बाकी के टेस्ट देख लो, और फिर ही डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक्स लेना। सो वायरल फीवर में बहुत बार विडाल टेस्ट पॉजिटिव आती है। सादा सादा इवन जो संधिवात है या थायराइड की बहुत सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज है, वहां पे भी ये विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है। अगर हम कामयाब होते हैं अवेयरनेस करने के लिए, तो मुझे खुशी होगी, और आप खुद को महीने में या 6 महीने में या साल भर में 3 या 4 बार टाइफॉइड हो गया है करके खुद को न समझाएं। धन्यवाद।